आप सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। IFN में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी और आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर गोभी और मटर का अचार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करने हैं और उसके लिए मैं कढ़ाई गर्म कर लेती हूँ। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, अब ऐड करेंगे थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी सौंफ। अब मसालों को बिल्कुल धीमी आंच में लगभग 2 से 3 मिनट तक भूंज लेंगे। तो मसालों की खुशबू बता रही है कि वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक दरदरे पाउडर में पीस लेंगे। तो मेरा मसाले अच्छे से पिस के रेडी हो गए हैं और मैंने यहाँ पे सब्जियाँ पहले से तैयार कर ली थी। इन सब्जियों को तैयार करने के लिए पहले इन्हें ब्रांच कर लेना है और फिर इन्हें धूप में अच्छे से 2 से 3 घंटे सुखा लेना है। अब इसमें डालेंगे पहले तो तैयार किया हुआ मसाला पाउडर और अब इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले पाउडर्स, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और सरसों की दाल और नमक। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब मैं इस अचार को अपनी बर्नी में निकाल लूंगी। ये गया पूरा अचार बर्नी में। अब इसमें डालेंगे हमारा इमामी का हेल्दी एंड टेस्टी मस्टर्ड ऑयल। इमामी का हेल्दी एंड टेस्टी मस्टर्ड ऑयल, इसमें ढेर सारा विटामिन ए, डी एंड ई होता है। मेरा अचार तैयार है। आप चाहें तो इसको इंस्टेंटली भी ट्राई कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, पर धूप में 3 दिन रखने से ये अच्छे से सीज जाएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंडिया फूड नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख के बताइए कि आपके फेवरेट वेजिटेबल अचार कॉम्बिनेशंस कौन से हैं। तब तक के लिए अलविदा।